गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मानसून का मौसम हम सबको बहुत पसंद है। ये अपने साथ ठंडक और सुकून लेके आता है। जब इतनी ज्यादा गर्मी हो उसके बाद पहली बारिश होने पे हम सभी को लगता है कि नई जिंदगी मिल गई है। पेड़ पौधे लहराने लगते हैं, नदी नाले जो सूख चुके होते हैं उसमें पानी भर जाता है। दिन रात हम लोग एसी पंखे में बैठे रहते हैं गर्मी की वजह से। जैसे ही बारिश होती कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, नेचर को एकटक निहारते हैं। पत्ते पे पानी की बूंदे टप टप होती है उसे देखते हैं। लोग अम्ब्रेला लेके निकलते हैं अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। चाय और पकौड़े तो सबके घर में बनते ही हैं, लेकिन मानसून अपने साथ लेके आता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि मानसून के दौरान हम अपना ख्याल कैसे रखें। मानसून में हम सभी को अपने हेल्थ के लिए स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। मानसून अपने साथ खुशियां तो बहुत लाता है, लेकिन इस मौसम के दौरान हमें अपने हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। कई तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहता है, स्किन इशूज हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे से पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, एक्ने का डर रहता है, दाद खाद खुजली होती है। तो इन सभी से कैसे बचा जाए, मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डिटेल में बातें करेंगे हम इसके ऊपर आज की वीडियो में, और एक बहुत मास्क भी बना के दिखाऊंगी जिसे आप इस मॉनसून के मौसम में अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है पर्सनल हाइजीन। बारिश के पानी में जर्म्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी बाहर से आए अपने हाथ और पैर को अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर से आए आपके जूते सॉक्स ये सब गीले पड़े हुए हैं तो उसी को बार बार ना पहने, ये इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। उसको अच्छे से पहले सुखा लें उसके बाद दोबारा पहने। नहाने के पानी में नीम के पत्ते, ऑरेंज के छिलके जो हम सुखा के रखते हैं फेस पैक के लिए, नींबू के छिलके जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं उसको इकट्ठा करके रख लीजिए, और जब भी नहाते हैं तो 3-4-5 छिलके उसमें डाल दीजिए। उस पानी से नहाने के बाद आपको काफी रिफ्रेश महसूस होगा, और जितने भी छोटे छोटे दाने होते हैं, घमोरियां होती हैं, इचिंग होती है स्किन में, तो वो कम होंगी। नीम के पत्ते को आप बॉयल करके भी एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं, और वो पानी थोड़ा थोड़ा सा नहाने वाले पानी में मिक्स कर दीजिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां देख लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं डाइट की। मॉनसून में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, इसलिए हमें अपने डाइट में इम्यून बूस्टिंग फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आजकल मैंगोज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जामुन आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो बारिश में आते हैं, तो उसको अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए और अपने आप को हाइड्रेट रखें। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, इससे स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस तरह के बोतल में आप भी पानी भर के रख लीजिए और एक एक घंटे पे एक ग्लास पानी पीते रहिए। कहीं से घूम के आइए और एक ग्लास पानी पी लीजिए। इससे आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा कि एक बार ही बैठ के पानी पीना है। एक घंटे पे अगर एक ग्लास पानी पीते हैं तो पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी अपने आप हो जाएगा। इस बोतल में 1 लीटर पानी आता है, 3 बार हम डालेंगे तो 8-10 ग्लास पानी इसमें आ जाएगा। मॉनसून में कपड़े और फुटवेयर का सही चॉइस करना भी बहुत जरूरी है। हल्के से ढीले कपड़े इस तरह के जैसे मैंने पहना है, कॉटन के हो या क्विक ड्राई फैब्रिक कोई भी हो जो मॉइस्चर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाए। अगर आपके पास वाटरप्रूफ जैकेट है तो वो भी पहन सकते हैं। हमेशा अपने पास अम्ब्रेला या रेनकोट जरूर रखें कि कहीं भी जब आप बाहर निकलते हैं और अचानक से बारिश हो जाती है आ जाती है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और बारिश से होने वाली बीमारियों से बचा सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर निकलने से पहले हम अम्ब्रेला लेना भूल जाते हैं या रेनकोट पहनना भूल जाते हैं,
जो लोग अक्सर बाहर निकलते हैं उनके साथ होता है, 3-4 बार निकलने वाले लोग तो एक बार भूल ही जाएंगे तो बाल आपके भींग जाएंगे बारिश होगी, तो आने के बाद हेयर वॉश कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो अपने हेयर को अच्छे से फैन के नीचे में बैठ के सुखाइए, उसके बाद कॉम करके और उसका बन बना लीजिए या चोटी बना सकते हैं, लेकिन अच्छे से बालों को। मानसून में घर की सफाई भी बहुत जरूरी है, कहीं भी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है तो उसे अवॉइड कीजिए, मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं और कई तरह की बीमारियां लेके आते हैं। मस्कीटो नेट का इस्तेमाल कीजिए सोने से पहले, और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टिक आ गए हैं या रैकेट आ गए हैं, इन सब चीज़ों को मच्छर भगाने वाली जो चीज़ें हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी आपके घर में लीकेज है या डैम्पनेस है तो उसको रिपेयर कराएं ताकि आप फंगल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। मॉनसून में एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, कई लोग वॉक पे जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें फिट रखता है। बारिश के दौरान हैवी वर्कआउट से दूर रहें जो हमारे लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है। आप स्टीम ले सकते हैं, सांस संबंधी जो भी बीमारियां होती है तो उससे बचने के लिए, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए स्टीम भी लिया जा सकता है, ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। आप सोचेंगे कि बारिश के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें, इसके लिए इतनी सारी बातें हो गई, टिप्स भी दे दिए, लेकिन स्पेशली हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए कुछ नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ ही चलती है। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा, आपके हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं है, तो आपकी स्किन और बाल अपने आप ही अच्छे होंगे, स्किन के ऊपर ग्लो रहेगा, आपका हेयर फॉल नहीं होगा, बाल लंबे घने मजबूत होंगे। तो इस दोनों को हम अलग अलग करके नहीं रख सकते हैं। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, स्किन के ऊपर आप कितने भी टॉपिकल एप्लीकेशन करते जाएं, कई सारी वीडियोस में मैंने बताया है, तो उसका कोई भी असर नहीं दिखने वाला है। इस मौसम में सबसे ज्यादा ख्याल साफ सफाई का रखें, अपने स्किन को, हेयर को बार बार वॉश करें, बालों को सुखा के रखें, जब भी बाल भीग जाते हैं तो उसे पहले सुखाएं, उसके बाद बन या चोटी बना सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे हम अपने स्किन केयर में फेस वॉश यूज करते हैं या टोनर करते हैं, मॉइस्चराइजर करते हैं, तो इस सब तरीके के जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट को ज्यादा चूज कर सकते हैं हम। नीम पाउडर का फेस पैक बना के लगा सकते हैं बीच में 1 से 2 बार। नीम में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन की रक्षा करती है मुहासे, फुंसियों से। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच नीम पाउडर, उसे मिक्स किया है 1 चम्मच रोज वाटर के साथ। अगर आपके पास फ्रेश नीम लीव्स अवेलेबल हैं तो उसका भी पैक बना के अपने फेस के ऊपर, बालों के ऊपर लगा सकते हैं। ये किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन से बचाएगा, दाग धब्बे को फेड करने का काम करता है, स्किन के ऊपर झुर्रियां आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं तो उसके ऊपर भी काम करता है। नीम फेस पैक को कई तरीके से बना के लगा सकते हैं, चंदन पाउडर मिक्स कर लीजिए, हल्दी डाल दीजिए, दही के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया, रोज वाटर की जगह आप पानी के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यह है गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी वाला टोनर, अभी मैं इसी को यूज कर रही हूँ। इसके साथ एक और है क्यूकुम्बर टोनर, गर्मियों के लिए वो भी अच्छा होता है। ग्रीन टी टोनर भी मुझे पसंद है। अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, ये पॉन्ड्स का है, बहुत लाइट मॉइस्चराइजर है। जब भी आप इस मौसम में कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, इसलिए कोशिश करें कि लाइट मॉइस्चराइजर हो, और ये जेल फॉर्म में है। इसे फेस के ऊपर लगाने से बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता है, स्किन के ऊपर ज्यादा हैवी फील नहीं होता है। पूरे फेस पे लगा के अच्छे से मसाज कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि वेदर के हिसाब से हम अपना स्किन केयर भी चेंज करते हैं, जिससे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये थे कुछ टिप्स जिसे आप मॉनसून के दौरान फॉलो करके अपना हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, अपने ब्यूटी का, स्किन का, हेयर का अच्छे तरीके से देख रेख कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से ले सकते हैं। आप अपने सुझाव और फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय।